अरे भाई यार, थ्री फिंगर में शिफ्ट होना है यार, कुछ टिप्स एंड ट्रिक दे दो। अभी तक भाई यार 100 से ज्यादा वीडियो देख रहे हो, पर अभी तक थ्री फिंगर में शिफ्ट नहीं हुआ। प्लीज भाई, प्लीज भाई, कुछ बता दो। प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई, कुछ बता दो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और आप सभी ने इतने ज्यादा कमेंट्स किए तो मैंने तो यार वीडियो लाना ही था। एंड पहले मुझे ये बताओ कि आप थ्री फिंगर में शिफ्ट क्यों होना चाहते हो? जैसे कि मैं थ्री फिंगर में इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि जो मेरे मूवमेंट है ना वो नहीं हो पा रहे थे, मतलब मेरे जो ग्लूवॉल्स है वो फास्ट नहीं लग पा रही थी, तो इसलिए मैं थ्री फिंगर में शिफ्ट हुआ। ये आपका ही कुछ कारण होना चाहिए कि आप थ्री फिंगर में शिफ्ट क्यों हो रहे हो। भाई मैं तो सब यूट्यूबर बोलते हैं थ्री फिंगर में शिफ्ट हो जाओ, थ्री फिंगर में शिफ्ट हो जाओ, इसलिए हो रहा हूँ। एंड देखो, काफी जो बंदे हैं ना अपने जो बड़े बड़े यूट्यूबर की कस्टमर जो कॉपी कर लेते हैं, जैसे कभी पागल एंड कॉपी कर लेते हैं, कभी राज सर की कॉपी कर लेते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप किसी यूट्यूबर की कस्टमर जो कॉपी करके खेलोगे ना तो भाई लोग आप कभी भी बोलोगे थ्री फिंगर में शिफ्ट नहीं होने वाले हो। मगर क्यों? जैसे कि हर मनुष्य का जो माइंडसेट होता है ना वो अलग अलग होता है, इसलिए भाई लोग अगर आप किसी की कस्टमर जो कॉपी करते हो तो भाई लोग उसमें शिफ्ट होने का आपको सालों भी लग सकते हैं। अरे अभी भाई, तो आप ही बताओ यार हमको, मतलब क्या करना चाहिए, हम कैसे निकाले अभी खुद की कस्टमर चोरी? टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। एनीवेज गाइस, आपको ये सब कुछ टारगेट में पता चलने वाला है। अगर आज का वीडियो को थोड़ा सा पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, उसके साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, एंड मुझे पता है अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है। अरे भाई तेरे को कैसे पता चला मैंने किया नहीं? अरे मेरे पास जो रोहित वाला जादू है ना वो मेरे को पावर देकर चला गया। क्या बोला तूने? तो एनी मोर वेस्टिंग टाइम, करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नहीं कहा भाई लोग, जो ये वाली उंगली है ना जिसके यहाँ पे मैंने पिन कर दी है, तो इसको आपको सबसे पहले एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक्टिव आपको कैसा करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जंप वाला बटन अलाउ करना है, ठीक है? आपको यहाँ पर जंप वाला बटन लगाना है, फिर आपको क्या करना है, आपको कोई भी भाई लोग ऐसा ट्रेनिंग में आना है, फिर उसका आपको जंप कर देना है। जब तक आपकी जो उंगली है ना वहाँ पे अच्छी खासी सेट नहीं हो जाती, जैसे कि 2-3 दिन तो आपको भाई लोग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी उसकी। फिर जैसे आपकी जो उंगली है ना वहाँ पे अच्छी सेट हो जाती है, फिर भाई लोग अगर आप है ना वहाँ पे आपको जो बटन चाहिए लगा सकते हो, जिसके अगर आपको क्विक मशीन चाहिए तो आपको वो लगा सकते हो, अगर आपको भाई लोग यार मतलब लेफ्ट बटन चाहिए तो आपको वो लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी चाहिए ना वो आपको बटन वहाँ पे लगाना है। फिर बाद में आपको क्या करना है, आपको नहीं कहा भाई लोग, बाकी जो कस्टमर चूड है ना आधी अधूरी वाली वो आपको पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है? वो भाई लोग वो आपको कंप्लीट कैसे करने, चलो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले जो अपने कस्टमर चूड रिसेट कर लेने, उसके बाद आपको जो बटन वहाँ पे चाहिए ना मतलब सबसे पहले ऊपर में, फिर आपको वहाँ पे वो वाला बटन सेट करना है। जैसे कि मुझको लेफ्ट बटन चाहिए तो आपको वो वाला सेट कर लेना है, आपको जो कहीं चाहिए वो आपको सेट करना है। फिर आपको बाकी की जो कस्टमर चूड है ना जिसमें आप लगा रहा हूँ तो वैसे आपको लगानी है, ठीक है? तो मैं आपको निकल फटाफट वो लगा लेता हूँ, तब तक आप निकल लोगे देखते रहो मैं कैसे लगाता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने जो कस्टमर चूड सेट कर लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग में आना है। फिर ट्रेनिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली भाई जो कस्टम एचओडी है ना उसको भाई आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको मैं प्रैक्टिस के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे भाई लोग आप इजिली भाई प्रैक्टिस कर सकने वाले। आप भाई लोग इजिली भाई इस कस्टमर चूडे भाई लोग विद इन भाई एक हफ्ते के अंदर इस कस्टमर चूड एकदम परफेक्टली सेट होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रेनिंग वाले ग्राउंड में आना है, फिर आपको यहाँ पर निकल लोगों का सबसे पहले जो कस्टमर चूड है ना उसके भाई आप प्रैक्टिस करते रहने, मतलब हर एक बटन को निकल देखना है, फिर देख के उस पर मतलब बटन मतलब क्लिक करना है, आपको जो बटन चाहिए उसको देख देख के क्लिक करना है। काफी बंदे है ना एंड काफी बंदे जो मिस्टेक कर रहे थे, जो सबके बटन है ना वो हाइड कर लेते, तो आपको स्टार्टिंग में हाइड नहीं करना है, आपको सभी के सभी जिसके डार्क है ना वो डार्क ही रहने देना है, ठीक है? जिसके मेरे डार्क है वैसे आपको रहने देना है। फिर आपको एक एक बटन को एक एक बार देख देख के क्लिक करना है। जब तक आपको जो सभी के सभी बटन है जब तक माइंड में सेट नहीं हो जाते ना तब तक भाई अगर आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। एंड गाइस, अगर आपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह कर ली तब भी अगर जो माइंड में आपके जो बटन सेट नहीं हो रहे ना, तो इसके लिए आपको एक मस्त से ट्रिक बता दो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप एक आपको अच्छे से फ्रेंड को बुलाना है, उसको आपको बाजू में बैठना है एंड उसको बोलना है तो मेरे गेम को ऑब्जर्व कर, तो उसको आपको ये बोलना है कि जो मेरा गेम प्ले तू ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्व के टाइम मतलब देख तुम्हें बटन कौन सा बटन कहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि लेफ्ट बटन यहाँ पर है बट मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है वो वाला बटन है आपको वहाँ पर लेके जाना है। तो ऐसे पहले अगर आपको एक एक टाइम मतलब सबके सभी जो बटन से सेट कर रहे हैं, ये जो ट्रिक है ना काफी ईजी ट्रिक है, इसके लिए सिर्फ आपको एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले आप मेरे मानो तो आपको यही ट्रिक फॉलो करना है, ये ट्रिक से पहले आप इजिली अच्छी खासी कस्टमर चूड़ी आप निकाल सकने वाले हो। तब भी अगर आपको किसी बड़ी यूट्यूबर की कस्टमर चाहिए ना तो इसके लिए आपको मैं एक ही आइडिया बोलूंगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको सिर्फ जो ही यूट्यूबर की कस्टमर चाहिए ना उसके सिर्फ आपको आइडिया लेनी है, पूरी की पूरी टिकटॉक टिकटॉक कॉपी नहीं करनी है। आई होप गाइस आज का जो वीडियो है आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।